आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जवाबी पत्र का जवाब भेजा, जहां सोनिया किसानों के सवाल पर मोदी सरकार को घेर रही हैं, वहीं गडकरी ने कांग्रेस को किसान विरोधी करार दिया। पहले लैंड बिल पर सोनिया गांधी की मोर्चाबंदी और फिर केंद्र सरकार पर उनकी चिट्ठी से उठे सवालों का असर कहिए कि नितिन गडकरी को जवाबी खत देना पड़ा। अपने खत में गडकरी ने भी कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आरोप नंबर एक, बड़े कारोबारियों के लिए जमीन अधिग्रहित की। आरोप नंबर दो, कौड़ी की कीमत में कारोबारियों को जमीन दी। आरोप नंबर तीन, कांग्रेस की नीतियों के चलते किसानों की खुदकुशी। आरोप नंबर चार, वोट के लिए कांग्रेस राज में नीतियां बनी। आरोप नंबर पांच, कांग्रेस के चलते देश विकास में पिछड़ा। इस पलटवार का सोनिया के सिपहसालार ने भी बिना वक्त गवाए जवाब दे दिया। वो लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र से बाहर है? लोकतंत्र में आप वोट खोने के लिए करते हैं कुछ कि वोट लेने के लिए करते हैं कुछ? वोट का महत्व क्या है? वोट का महत्व ये है कि आप जिसके लिए कुछ करने जा रहे हैं उसको वो पसंद है कि नहीं, उसका निर्णय क्या है, उसका विषय क्या है, उसको उसकी इच्छा क्या है, इसी पर तो वोट निर्भर होता है। खतो खिताबत के सिलसिले के बीच किसानों की लामबंदी की कोशिश जारी रखेंगी सोनिया गांधी। हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बाद भूमि बिल के खिलाफ सोनिया अब मध्य प्रदेश के नीमच में जाने वाली है। आज तक ब्यूरो।